हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुचित्रा एक्सप्लेनेशन। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द किंग्स वुमन का एपिसोड नंबर 19। सब्सक्राइब कर दो ना, सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसा नहीं लगते हैं, और अगर अगला वीडियो चाहते हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो, और हाँ बेल आइकन दबा लेना जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुम्हें पहले पता चल जाए। चल वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिंकाई को, जिसको हम देखते हैं कि वो अब डिसाइड करता है कि आज से मैं सब कुछ अच्छा करूंगा, मतलब जैसा वो चाहती थी, मतलब राजकुमारी लेयर जैसा चाहती थी, मैं बिल्कुल वैसा ही बना था। वो चाहती थी कि मैं हमेशा अपना ख्याल रखूं, उसे अपने दिल में बसाए रखूं। वो जानती थी कि वो, उसने कहा था कि वो रहे या ना रहे उस मेरे लिए उसके दिल में हमेशा प्यार रहेगा, तो इसीलिए आज से मैं डिसाइड करता हूं और आज से मैं सब कुछ सही करूंगा, मैं एक रियल तलवारबाज बन के दिखाऊंगा। आगे के सीन में मिस्टर लानियार को देखते हैं जो अपने पापा के पास आती है और उनसे कहती है कि आपको पता है ब्रदर जिंकांग है। वो कहते हैं कि हाँ, तो मुझे इसके बारे में क्या ख्याल, जहाँ मन करे वहाँ जाए। तो वो कहती है तो ये सब आप ही के कारण हुआ है, आपने कल जो उसे अंडर एस्टिमेट किया था ना, उससे जो लड़ाई वड़ाई की थी, इसी वजह से ये सब हो रहा है। तो वो कहते हैं कि देखो, अगर वो अभी भी नाराज है ना और वो जाकर शराब की बोतलें खरीद रहा है तो वो एक यूजलेस पर्सन है। मुझे नहीं लगता कि वो यूजलेस पर्सन है, मुझे ऐसा लगता है कि वो रियल सॉवर्ड मैन है, मतलब रियल में तलवारबाज इंसान है। तो वो जल्दी यहाँ वापस आ जाएगा और सब कुछ वो ठीक होगा, मतलब वो समझदार होगा तो समझ जाएगा। लानियार कहती है कि पिताजी ऐसी बातें मत करो, वैसे अभी आपने उसे भड़काया था। अब ये लोग बातें बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे रियर सॉवर्ड मैन यानी कि तलवारबाज जिंकाई आता है। जिंकाई से जाके लानियार कहती है तुम कहाँ चले गए थे सुबह सुबह। वो कहता है कि मैं बस सुबह जल्दी उठ गया था, तो मैं प्रैक्टिस के लिए चला गया था और मैं अब ठीक हूँ। वो कहती है कि वैसे तुम्हारी चोटी जो तुमने बांधा था वो टूट गया था। वो कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक सॉवर्ड मैन यानी एक तलवारबाज अगर है तो उसकी बाल बंधे हैं या नहीं बंधे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो उसे राइस बॉल देते हुए कहता है कि मैं जब वहां से लौट रहा था तो मैंने राइस बॉल देखा और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और गरम गरम है, तो तुम खा लो। तो यहाँ पे लाने यार बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, कहती है कि वैसे अगर आज मिस्टर तियांग वांग होते ना तो वो देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते तुम्हें। जिंकाई कहता है कि हाँ, वो मुझे देखते तो खुश हो जाते तियांग वांग, लेकिन मैं यहाँ पे रुकने वाला नहीं हूँ, उनके आने तक का मैं वेट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लाने यार कहती है कि अरे पर तुम जा कहाँ रहे हो। वो कहता है कि दरअसल मेरे जो टीचर थे यानी गुमसंग यू जो थे ना, उन्होंने एक पोयम छोड़ी है और मुझे उस पोयम का मतलब ढूंढना है, इसीलिए मैं शहरों में जाकर घूमना चाहता हूँ, घूम घूम कर उस पोयम का मतलब ढूंढने जाना चाहता हूँ। जिंकाई कहता है कि मैं जाकर उस पोयम का मतलब ढूंढना चाहता हूँ जो मेरे टीचर ने मुझे दिया था। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम जा रहे हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जी नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे लानियार कहती है कि ठीक है, तो एक काम करो ना ब्रदर, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो वो कहता है कि नहीं, देखो मुझे इस बारे में कोई आइडिया भी नहीं है कि वो पोयम का मतलब अर्थ क्या होगा, कहाँ मिलेगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें साथ में कैसे ले जा सकता हूँ, बस पहले तो तुम्हें अपने पिता का अप्रूवल लेना होगा ना। तो वो कहती है कि पिताजी आप क्या कहते हैं। तो पिताजी कहते हैं कि देखो मेरी बेटी है ना, वो बहुत ही ज्यादा समझदार है, कुछ तो खुद दो, अगर वो कोई फैसला लेती है तो मैं कौन होता हूँ, मतलब जी नहीं की हिम्मत नहीं है कि वो उसे रोक सके। तो वो कहती है आप ना वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो, और वो दोनों मतलब साथ में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ महारानी हुआ यान अपनी रानियों की टोली को बैठाए होती है, मतलब इसमें होती है मैडम चू जो मेन होती है। हुआ यान महारानी डोंगर जो होती है वो कहती है कि देखो मैं तुम लोगों को ये बताने के लिए बुलाई हूँ कि हरम में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक है और इससे हरम की जो रेपुटेशन है वो बिगड़ चुकी है। कुछ ऐसी रानियां यानी उपरानियां हैं जिन्होंने हरम के रूल्स को तोड़ दिया है, तो इन सबको इस रेपुटेशन वाली जगह को रेपुटेटेड करने के लिए, मतलब दोबारा से यहाँ का सम्मान वापस लौटाने के लिए कुछ तो करना होगा। मैडम चूक क्या करती है कि अपने टेबल से एक कीड़ा उठाती है और उस कीड़े को उठा के अपनी चाय वाली कप में डाल देती है। तो वहीं पे जो दूसरी वाली रहती है उपरानी, वो कहती है कि बहन देखो जो आपने वो कीड़ा डाला है चाय में तो वो चाय अब पीने लायक नहीं रहा। तो मैडम चू कहती है एग्जैक्टली तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और ये जो चाय है ना ये बिल्कुल हमारे हरम की तरह है, और इसमें जो कीड़ा पड़ा है वो गंदी रानी है जिसने वो सब कांड किए हैं। और मैं बता दूं कि इस गंदे कीड़े को अगर हटाया नहीं गया ना तो हमारे हरम का सब कुछ खराब हो जाएगा। महारानी मतलब जो हुआ यान महारानी होती है वो कहती है कि ठीक है तुम चिंता मत करो चू, मैं कुछ ना कुछ करूंगी इसके लिए, मैं जल्दी उसे सजा दूंगी क्योंकि उसे अभी कोई सजा भी नहीं मिली है, नॉर्मली वो जी रही है अपनी जिंदगी। आगे हम रानी लियार को देखते हैं जो कि अपने नौकरानी के साथ अपने कमरे में सोने के लिए आती है। तो वहां पे देखती है कि जिंगे चेंग मतलब जो महाराज होते हैं ना, नाम ही भूल जाते हैं, महाराज जो होते हैं ना इन जेंग, वो वहीं पे बैठे होते हैं। तो वो उनसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और फिर अपनी नौकरानी से कहती है कि अब मैं आराम करना चाहती हूँ तो फिर महाराज को यहाँ से लेकर जाओ, मतलब उनसे कहो कि वो जाए। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जाने वाला, मैं आज जो जाओदे पैलेस में ही रात बिताऊंगा, मैं अपनी रानी के साथ रात बिताऊंगा, समय बिताऊंगा। तो वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो नौकरानी से पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि ये महल किसका है। तो वो कहती है आप
आपका महाराज। तो अगर मैं अपनी किसी रानी के साथ यानी पत्नी के साथ अगर मैं समय बिताना चाहता हूँ तो क्या ये गलत है? तो वो कहती है नहीं। तो वो कहता है तो मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ या नहीं? तो वो कहती है बिल्कुल महाराज आप यहाँ पे रुक सकते हैं। तो वो कहती है बताओ इतनी छोटी सी बात इस नौकरानी को समझ में आती है लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया। उसके बाद से कहते हैं कि ठीक है क्यों नहीं यार अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तो वो चली जाती है। तो महारानी उनसे पूछती है कि आप चाहते क्या हो? तो वो बस खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं तुम जानती हो मैक्सिमम 1 साल हो गए तुम्हारे महल में आए हुए लेकिन हम दोनों एक कपल की तरह कभी बिहेव नहीं करते लेकिन अब मैं तुम्हें चाहता हूँ तो क्या तुम मेरी होना चाहोगी? उनके कान में जब ऐसे बोलते हैं ना तो महारानी थोड़ा सा झिझक जाती है। फिर वो उनको अपने तरफ खींचते हैं और उन्हें किस करने लगते हैं ज़बरदस्ती जिससे राजकुमारी यानी महारानी जो होती है ना उनके लिप्स पर काट देती है। तो वो कहती है कि अरे वाह तुमने मुझे लव बाइट दिया अब भी तुम मुझसे प्यार करती हो है ना। फिर उसे दोबारा किस करते हैं। उसके बाद से कहते हैं देखो मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ तुमसे प्यार करने के लिए मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हो जाओ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरी हो जाओ ना और अगर तुम आज नहीं चाहती ना तो मैं कल फिर आऊँगा तुम्हारे साथ सोने के लिए। कल नहीं तो फिर परसों नहीं तो फिर नर्सों मैं तुम्हारा जन्म जन्म तक इंतजार कर सकता हूँ। बस तुम खुद को मुझे सौंप दो क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसके बाद उनके सर पर थपथपाते और कहते हैं कि अब तुम आराम करो और वहाँ से चले जाओ। आगे की सीन में हम देखते हैं ना एक गेम खेल रहे होते हैं महाराज जिंग जिंग मिंदाली के साथ और उनसे गेम खेलते खेलते बात करते हुए बोलते हैं कि मैं आपके साथ आता हूँ ना तो मुझे शांति मिलती है। वो कहती हैं कि अच्छा मैं तो आपकी फेवरेट भी नहीं हूँ। तो वो कहते हैं ऐसी बात नहीं है खैर मुझे ऐसा लगता है कि जाओ के जो राजा थे उनके ऊपर मैंने अटैक किया था उस वक्त जाओ के राजा की मृत्यु हो गई थी और मुझे ऐसा नहीं लगा था कि उनकी मृत्यु हो जाएगी तो मुझे ऐसा लगता है शायद अपने दिल ही दिल में आप मुझे ब्लेम करती होंगी। तो वो कहती है देखिए राजा साहब अब मेरी आपसे शादी हो गई है तो मैं अपने मदरलैंड यानी मातृभूमि के लिए क्यों लड़ूंगी मतलब मैं इन सब के बारे में सोचती हूँ नहीं हूँ। तो वो कहते हैं कि वैसे आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड है। तो वो कहती है मैं काइंड हार्टेड नहीं हूँ दरअसल बात ये है ना कि मैं हरम के रूल को समझती हूँ मैं ये जानती हूँ कि हरम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बस इसीलिए मैं ऐसी हूँ। महाराज कहते हैं कि वैसे वो राजा बताते थे कि उनका जो फेवरेट थी ना वो आप थी तो आप उन्हें छोड़कर जब मैंने सुना कि आप मुझसे शादी करना चाहती विवाह का प्रस्ताव लेकर आए थे आपके लिए तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि आप उस राजा की फेवरेट बेटी थी और फिर भी आप मुझसे शादी करने के लिए नाराज हो गई मतलब आपके दिल में कुछ ऐसा आक्रोश रहता होगा मेरे लिए। तो वो कहती है नहीं राजा ऐसी कोई बात नहीं है दरअसल मैं हरम के हर एक रूल को जानती हूँ और मेरी आपसे शादी हो गई है तो मैं अपने मायके के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचती हूँ। महाराज कहते हैं कि आपकी बात भी सही है लेकिन जब मैं दिल से बताऊँ तो मैं ये बताता हूँ कि जाओ जिया जो थे ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थे और अच्छे राजा थे अगर वो मुझसे थ्रोन को जीत जाते ना तो मैं निश्चित रूप से उन्हें ब्लेस्ड करता और उन्हें ढेर सारे उपहार भी भिजवाता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे राजा थे। फिर मिंदाली कहती है कि वैसे महाराज आप यहाँ शांति के लिए आए थे ना मतलब आप यहाँ पे अपने आप को काम करने के लिए आए थे मतलब कि आपको शांति महसूस हो तो क्यों ना हम गेम पे ध्यान देते हैं वैसे इधर उधर की बातें छोड़ देते हैं। वैसे भी मैं आपको लेकर अपने दिल में मतलब मेरे दिल में आपके लिए कोई भी भड़ास नहीं है मतलब कोई ऐसी बात नहीं है जिसको जिससे आपको चिंता करनी चाहिए तो चलिए हम लोग मिलकर गेम खेलते हैं। महाराज कहते हैं ठीक है जैसा आप कहें। आगे की सीन में हम महारानी लीडर को देखते हैं जहाँ पर उनकी नौकरानी होती है कहती है कि महारानी मुझे तो डर लग रहा है। तो वो कहती है क्यों डर रही हो? तो वो कहते हैं महारानी क्योंकि मुझे पता है कि महाराज आज रात भी आपके पास जरूर आएंगे। तो वो कहती है हाँ निश्चित रूप से वो आएंगे। तो वो कहती है कि महारानी मैं आपसे एक बात कहूँ बुरा मत मानेगा देखिए वो राजा हैं और यहाँ पे वो उनका ही महल है ऊपर से यहाँ पे जितनी भी उपराजनियाँ हैं ना जितनी भी उपपत्नियाँ हैं उसकी हरम में वो सारे उनसे बिलोंग करती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको लड़ाई छोड़ देनी चाहिए आपको लड़ाई नहीं करनी चाहिए महाराज से और महाराज की बात मान लेनी चाहिए। महारानी कहती है देखो मैं उनसे कोई भी लड़ाई नहीं कर रही हूँ। वो कहती है जी हाँ महारानी आपको महाराज की बात मान लेनी चाहिए और उनसे बहस नहीं करनी चाहिए। वो कहती है ठीक है मैं उनसे बहस नहीं करूंगी। फिर वो कहती है कि ठीक है महारानी अब मैं चलती हूँ यहाँ से महाराज आते होंगे और वहाँ से चली जाती है। आगे की सीन में हम महाराज जिंग जिंग को देखते हैं जो कि कमरे में महारानी का इंतजार कर रहे होते हैं। अब महारानी जब इनसे मिलने आती है तो क्या करती है अपना एक हेयर पिन जो होता है ना वो अपने हाथों में लेकर आती है कि या तो महाराज को मार दूंगी या तो खुद को मार दूंगी। महाराज कहते हैं तो फिर आज किस इरादे से आई हो क्या आज तुम्हें मेरा होना है? तो महारानी कहती है गेस करो। तो वो कहते हैं कि हाँ जहाँ तक मैं गेस कर पा रहा हूँ या तो तुम मेरी जान ले लोगी या तो फिर खुद को मार डालोगी। पर क्या तुमने कभी ये सोचा है कि फिर तियानमिंग का क्या होगा? फिर इसके बाद से महारानी तो पूरी तरीके से ठंडी पड़ जाती है। महाराज जाते हैं उनके हाथ से हेयर क्लिप निकाल लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है मैंने तियानमिंग को महल से कहीं दूर भेज दिया है। महारानी कहते हैं ऐसा क्यों? इसीलिए ना ताकि मैं तुम्हारे बस में रह सकूं। महाराज कहते हैं हाँ इसीलिए देखो जब वो तियानमिंग का किडनैप हुआ था ना तो अभी तक हमें उस कल्पिट को हम लोग ढूंढ नहीं पाए हैं तो मैं चाहता हूँ वो कल्पिट मिल जाए और जब तक वो कल्पिट नहीं मिलता है तब तक तियानमिंग को यहाँ से दूर रखना सुरक्षित है वरना तियानमिंग दोबारा से किडनैप हो सकता है इसीलिए मैंने ऐसा किया है। तो महारानी कहती है हाँ मैं अच्छे से समझ रही हूँ तुम बस मुझे बस में रखना चाहते हो इसीलिए ये सब कर रहे हो। तो कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही समझ रही हो मैं तुम्हें ही चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हो जाओ हमेशा के लिए लेकिन तुम ही नहीं समझती हो तुम्हें पता है तुम्हें और तियानमिंग को सिर्फ मैं ही हूँ जो प्रोटेक्ट कर सकता हूँ।
में, और फिर हेयर क्लिप उनके हाथ में देते हुए कहते हैं ये सिर्फ एक हेयर क्लिप है और तुम कुछ नहीं कर सकती। इतना कहने के बाद महाराज वहां से चले जाते हैं। महारानी सोचती रह जाती है। आगे की सीन में मैडम चू को देखते हैं जो हुआ यान के साथ आई होती है नाश्ता पानी करने के लिए, और मैडम हुआ यान अपने नौकरों से कहती है ठीक है तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। मैडम चू का अब शुरू होता है कहानी। वो कहती है कि मैडम देख रही है आप कैसी है ये, मुझे तो बहुत ज्यादा लग रहा है, मुझे तो लग रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है। ये जो मैडम नहीं है ना उनके साथ ही हान सेन को महाराज ने रख दिया उनकी रक्षा करने के लिए। अब देखिए हो सकता है उन्होंने सीनियर जूनियर का सिर्फ बहाना बनाया हो, और अगर सीनियर जूनियर हो भी तो अगर उनके बीच रिश्ता हो कोई ऐसा वैसा, मतलब उन दोनों का अफेयर चल रहा हो, तो ये सब कितना गंदा लगता है ना, ये सब बहुत गलत हो रहा है महारानी, ये सब बहुत गलत है। महारानी कहती है हाँ तुम कहते हो बिल्कुल सही हो, ये सब ज्यादा तो हो रहा है, तो मुझे तो उसको देखना ही पड़ेगा कि आखिर क्या बात है। उसके बाद से हम देखते हैं कि मैडम ली को बुलाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मैडम हुआ यान होती है ना वो उनसे कहती है कि मैं आपको यहाँ पे इसलिए बुलाई हूँ क्योंकि आपको पता है एक महीने बाद ना महाराज का बर्थडे आने वाला है, और उस दिन बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, और उस दिन में बहुत सारे दूर दूर से लोग आ रहे हैं, और बहुत तो यहाँ पे जो महल में जितने भी हरम में जितनी भी सारी उप पत्नियां हैं और नौकर नौकरानियां, मतलब जो भी है वो अपनी खुशी से महाराज के लिए कुछ ना कुछ करेगा, मतलब कुछ लोग सभी लोग ना कोई चीज में पार्ट जरूर लेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी क्यों ना डांस करें। तो वो कहती है महारानी लेकिन मुझे डांस वांस तो आता नहीं है, मैं डांस में बहुत ही ज्यादा स्लो हूँ और मैंने कभी डांस किया भी नहीं है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, आप अच्छा तलवारबाजी करती है तो एक काम कीजिए किसी को बुलाकर अपने साथ में डांस सीख लीजिए, और तलवारबाजी और डांस को दोनों को कंबाइन करके एक परफॉर्मेंस दिखाइए जिससे महाराज भी खुश हो जाएंगे, और साथ ही महल में जितने सारे आपको लेकर रूमर्स चल रहे ना वो रूमर्स भी थोड़ी शांत हो जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है आपको ऐसा करना चाहिए। तो महारानी जो की बात सुनकर जो राजकुमारी यानी मैडम ली जो होती है ना वो कहती है कि जी महारानी जैसा आप चाहती है मैं करूंगी, लेकिन मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। तो वो कहती है कि ठीक है बताओ क्या हेल्प चाहिए। तो वो उठती है उन्हें प्रणाम करती है, कहती है महारानी देखिए मेरा बेटा जो तियांगमिंग है ना वो किडनैप हो गया था, जब वो मेरे पेट में था तो उस समय मुझे किसी ने जहर देने की भी कोशिश की थी, और मैं चाहती हूँ कि आप उसकी रक्षा करें, आप इस बात का आश्वासन दें, मुझे वचन दें कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे किडनैप होने के बाद असली कल्प्रिट का पता भी नहीं चला था, इसलिए महाराज ने उसे यहाँ से बाहर भेज दिया है, मतलब महल में नहीं रहने दिया। तो मैं चाहती हूँ कि आप असली कल्प्रिट का प्लीज जल्दी से जल्दी पता लगाइए ताकि मेरा बेटा यहाँ पे आ जाए, क्योंकि जब से वो यहाँ से गया है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, और मैं एक छोटी फैमिली से हूँ तो बच्चे बच्चे सब साथ में रहते हैं तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, तो प्लीज क्या आप ऐसा करेंगी। तो महारानी माँ कहती है कि ठीक है जैसा आप चाहती हो मैं वैसा करूंगी, और कल्प्रिट का मैं जल्दी पता लगा लूंगी। आगे मैडम लेयर को देखते हैं जो कि हांसन के साथ मिलकर तलवारबाजी कर रही होती है, तलवारबाजी मतलब सीख भी रही होती है, अपना प्रैक्टिस कर रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैट गर्ल यानी लानियार जो होती है ना वो हांसन के साथ कह रहा है वो क्या नाम है उसका, जिंकाई के साथ तलवारबाजी कर रही होती है, और यहाँ पे ये दोनों तलवारबाजी कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ राजकुमारी मतलब महारानी तलवारबाजी कर रही होती है, ऐसा लग रहा होता है ना जैसे कि महारानी लानियार और जिंकाई दोनों एक साथ तलवारबाजी कर रहे होते हैं। वैसे ये सब बनावटी है यार, कंप्यूटर से इतना ज्यादा ये लोग ग्राफिक्स चेंज कर देते हैं, एक साथ कर देते हैं, क्या कहा जाए, अजीब लगता है। उसके बाद ये दोनों बातें करते हैं जहाँ महारानी लानियार कहती है कि तुम्हें पता है हांसन मैंने महारानी से बात की है, उन्होंने मुझे डांस करने के लिए कहा है, तो डांस मतलब हांसन कहते हैं कि देखो अगर वो तुम्हें कोई सजा देती ना तो मुझे समझ में आता, लेकिन उन्होंने तुम्हें डांस करने के लिए कहा है ये बात थोड़ी सी स्ट्रेंज है, क्या कुछ डरावना नहीं है। वो कहती है कि तुम चिंता मत करो सिर्फ डांस ही तो है उसमें वो क्या ही कर पाएंगे, और वैसे मैंने उनसे इस बात का प्रॉमिस लिया है कि वो मेरे बेटे यानी तियांगमिंग की रक्षा करेंगे, कि अगर आगे चल के तियांगमिंग को कुछ भी होता है तो वो उसे बचाएंगी, वो उसकी रक्षा करेंगी। तो वो कहते हैं कि ठीक है तियांगमिंग की रक्षा वो कर लेंगी तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। तो वो कहती है कि आप चिंता मत करो मैं ठीक हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और इसमें समय तो वैसे भी तेजी से बढ़ता है, तो बर्थडे का दिन आ ही गया और बर्थडे का दिन आता है तो हम देखते हैं कि सभी लोग नौकर नौकरानियां महारानी वानी जो भी लोग होते हैं ना वो लोग महाराज को अच्छा अच्छा कुछ ना कुछ देकर उनको बर्थडे विश कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि मिंदाली जो होती है वो बहुत ही अच्छा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से म्यूजिक वगैरह बजाती है, प्ले करती है, और ये महाराज को भी बहुत ज्यादा पसंद आता है। महारानी कहती है कि मिंदाली हमेशा से एक अच्छा परफॉर्मेंस करती है, मतलब अच्छा म्यूजिक बजाती है ना। तो महाराज भी कहते हैं कि जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ, ये सब महाराज को भी बहुत ज्यादा पसंद आता है, और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे होते हैं सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, यहीं पे हांसन भी बैठे होते हैं। हम देखते हैं कि अब बारी आती है मैडम ली को बोला जाता है कि मैडम ली अब आपकी बारी है, अब आप आकर अपना डांस परफॉर्मेंस दिखाइए। मैडम ली अब आती है डांस परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। जब वो यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस दिखाने के लिए स्टेज पे आती है तब हमें पता चलता है कि जो मैडम चू है और मैडम हुआ यान डोंगर, तो ये दोनों का एक प्लान होता है। इन दोनों का प्लान ये होता है ना कि जब मैडम ली यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए आएंगी तो देखिए मतलब इनको यहाँ पे चाकू तलवार लाना वो अलाउड होगा, क्योंकि इन्हें तलवारबाजी ही करनी है करके डांस करना है। लेकिन ये क्या की होती है ना, इनका
उनका जो खुद का सिक्योरिटी गार्ड होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड बैठाई होती है कि वो तलवार लेकर आए हैं और यहीं पे मैडम ली का काम जो है ना तमाम कर देंगे, मतलब मैडम ली को किसी भी तरीके से जान से मार देंगे। इन लोगों का ये प्लान होता है। अब आगे ध्यान से सुनना तुम लोग क्या होता है, मतलब अगर तुम्हें समझ में नहीं आया, वैसे मैं वीडियो डाल देती, वीडियो डालूंगी ना तो कॉपीराइट आ जाएगा या स्ट्राइक आ जाएगा। तो एक काम करना, ये वीडियो जाके इस एपिसोड को ना, मतलब मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस एपिसोड को जाकर वहां से देखना। देखो क्या होता है, मैडम ली जैसे अपना डांस फिनिश करती हैं, उसके बाद से वो ऊपर एक बड़ा सा गुंबद होता है, उसको जैसे ही फोड़ती है ना तो उसमें से एक तलवार गिरता है। अब उस तलवार को जब मैडम ली रोक लेती हैं तो यहाँ पे महारानी जो हुआ यान होती है वो चिल्लाने लगती है कि ये जरूर महाराज को जान से मारने आई है और जल्दी से इसे जान से मार दो। और फिर ये बंदा जो होता है महाराज का भाई, यानी कि दांग, मिस्टर दांग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक नौकरानी को इशारा करते हैं, ठीक है अब सही समय आ चुका है, जाकर महाराज को जान से मार दो। और ये होती है वो नौकरानी, ये अपना तलवार निकालती है महाराज की तरफ बड़ी होती है मारने के लिए। और ये चीज देख लेती है राजकुमार, मतलब मैडम ली यार। अब ली यार ये देखते ही जो होती है ना महाराज की तरफ दौड़ती है और सभी सैनिकों को, ली जोंग को, मतलब सभी लोगों को, महारानी, राजकुमारी, जितने भी लोग होते हैं सबको ऐसा लगता है कि जो ली यार है ना वो महाराज को जान से मारने जा रही है। वो सभी सैनिकों को काटती मारती हुई मतलब जाती हुई, और महाराज को भी ऐसा लगता है कि ये कहीं मुझे जान से मारने तो नहीं आ रही है। वो जाती है महाराज के पास और उनके पीछे जो नौकरानी होती है उनके महाराज के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन महारानी ली यार जो होती है ना वो अपनी तलवार को उसी की तरफ, मतलब नौकरानी की तरफ मोड़ देती है, उसके ऊपर फेंक देती है, मतलब जैसे ही वो मारती है। और दूसरी तरफ यहाँ पे ली जोंग होता है ना, वो महारानी को तलवार घोंप देता है, वो महारानी को मार देता है और महारानी उस नौकरानी को मार देती है, मतलब वो जो दुश्मन होती है उसको। यहाँ पे महाराज जब ये देखते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि बचपन में इसने मेरी जान बचाई थी और आज भी इसने मेरी जान बचाई। जब महाराज को एहसास होता है वो तुरंत उनको गोद में लेकर दौड़ते हुए वहां से भागते हैं उनकी जान बचाने के लिए। वहां से भाग रहे होते हैं और साथ ही साथ उन्हें याद आता है कि महारानी ने, मतलब लियार को जब पहले भी पता नहीं था तभी उन्होंने उसकी जान बचाई थी। यहाँ पे महाराज उनको दौड़ते हुए लेकर भागते हैं, उनके कमरे में ले जाकर लेटा देते हैं और जल्दी से बोलते हैं जल्दी से फिजिशियन को, यानी डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। यहाँ पे डॉक्टर आते हैं, महाराज की, महारानी की देखभाल कर रहे होते हैं और महाराज ली जोंग से बात करते हैं, कहते हैं ये कौन से गार्ड्स थे, तो कौन से गार्ड्स थे जो ली यार पे हमला कर रहे थे, उनको क्यों रोक रहे थे, उन्हें क्यों मार रहे थे। तो वो कहते हैं कि महाराज माफ कीजिएगा, वो जो गार्ड थे ना वो हुआ यान मैडम के गार्ड्स थे, वो उनकी रक्षा करने के लिए आए थे। महाराज कहते हैं कि ठीक है वो आए थे, पता लगाओ जल्दी इसके बारे में ये सब क्या है। जब महारानी ने उस गुम्बद को फोड़ा तो उसमें से तलवार क्यों गिरा, क्या वो महारानी ने रखवाया था या किसी और ने रखा था। यहाँ पे ली जोंग कहता है कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी सब कुछ पता लगा लूंगा। तो महाराज कहते हैं कि वैसे तुमने उन्हें इसलिए मारा ना क्योंकि तुम्हें लगा कि वो मुझे जान से मारने जा रही है। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है, मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, टाटा बाय बाय टेक केयर। और हाँ, ये जो वीडियो मैंने लास्ट वाली बताई थी ना उस वीडियो को जरूर देखना जाकर, मैं लिंक में डाल दूंगी। चलो बाय।